विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, गीता फोगाट, बबीता फोगाट, सोनिका कालीरमन, दिव्या ककरन, रितु फोगाट, अलका तोमर, ये सारे वो नाम हैं जिन्होंने वैश्विक पटल पर अपने विरोधियों को धूल चटाते हुए देश का नाम रोशन किया है और कर रही हैं। पर बीते कुछ महीनों से जब यही बेटियां अपने ऊपर हुए शोषण पर आवाज उठा रही थी, तब मोदी सरकार के कानों में झुनझुन न रहेगी। ये सारी तस्वीरें तो आपको याद ही होंगी, कैसे सरकार पुलिस प्रशासन का गलत इस्तेमाल करके सारे आंदोलनकारियों पर डंडे बरसा रही थी, और वहीं दूसरी तरफ बृजभूषण सिंह खुला घूमता रहा। क्या आप अब इस्तीफा देंगे? क्यों दे इस्तीफा? इस्तीफा नहीं देंगे। क्यों दे इस्तीफा? इस्तीफा किस बात की मांग रहे हैं आप? है आपके खिलाफ। जब सरकार को सामाजिक आलोचना मिली, तब कहीं जाकर बृजभूषण को उसकी कुर्सी से हटाया गया। अब खबर है कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की सदस्यता रद्द कर दी है। तय समय पर चुनाव न करने की वजह से UWW ने ये बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि UWW ने WFI को चुनाव कराने के लिए 15 जुलाई तक का समय दिया था, पर बृजभूषण मामले के बाद गुवाहाटी हाईकोर्ट ने WFI के चुनाव पर रोक लगा दी। हालांकि भारतीय पहलवानों को आने वाली किसी भी प्रतियोगिता में भागीदारी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, पर अब वो हमारे तिरंगे के साथ नहीं UWW के झंडे के साथ यानी न्यूट्रल रेसलर जैसे भाग लेंगे, यानी अब उनकी कोई भी उपलब्धता भारत की शान नहीं बनेगी। मेडल जीतने पर जो तिरंगा हर भारतीय की शान बनता है, जिस राष्ट्रगान को सुनकर हमें प्राउड फील होता है, जिस पल का इंतजार भारत का हर खिलाड़ी करता है, वो अब नहीं होगा। ये पूरी घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हर बात को राष्ट्रवाद से जोड़ने वाली ये सरकार आज चुप क्यों है। ना ही कोई ट्वीट, ना ही कोई भाषण, ना ही कोई बयान है। है तो बस निराशा। आज हमने अपने देश की बेटियों को निराश कर दिया है। इसमें हम सब की चुप्पी जिम्मेदार है, आप, मैं, हम। अब वक्त आ गया है बृजभूषण को इस देश की राजनीति से साफ कर देने का।